आज की वीडियो में हम सीखेंगे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से टाइम डायलेशन की इक्वेशन निकालना और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की इक्वेशन निकालना। पहले समझ लें टाइम डायलेशन होता क्या है। मूविंग फ्रेम के अंदर टाइम स्लो बीतता है, उसको हम टाइम डायलेशन कहते हैं। फर्ज करें एक इनर्शियल फ्रेम के अंदर दो इवेंट्स टेक प्लेस हुए हैं, उन दोनों इवेंट्स के बीच जो टाइम है, जो टाइम की ड्यूरेशन है मूविंग फ्रेम के अंदर, वो क्या होगी? मूविंग फ्रेम के अंदर होगी टी नॉट, टी टू डैश इज इक्वल टू माइनस टी वन डैश। पहला इवेंट जो टेक प्लेस हुआ है वो टाइम टी वन पर है, टी वन डैश, और जो दूसरा इवेंट टेक प्लेस हुआ है वो टाइम टी टू डैश पर है। और फिक्स फ्रेम के नज़दीक दोनों इवेंट्स के बीच कितना टाइम बीता है? टी, जिसको हम मेजर करेंगे टी टू माइनस टी वन से। अब हम इस इक्वेशन पे काम करेंगे, टी इज इक्वल टू टी टू माइनस टी वन, लॉरेंट्स के टाइम कोऑर्डिनेट जो हमने लास्ट वीडियो में ड्राइव करना सीखे थे उसकी वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। तो टी टू की वैल्यू है टी टू डैश प्लस वी एक्स टू डैश अपॉन सी स्क्वायर अपॉन रेडिकल वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। माइनस का टी वन की वैल्यू है, बस सेम रहेगा, वन आ जाएगा टू की जगह, टी वन डैश माइनस ये, और फार्मूले का प्लस, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, वी एक्स डैश वन अपॉन सी स्क्वायर अपॉन रेडिकल वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। एलसीएम ले लेंगे, रेडिकल वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ऊपर क्या आ जाएगा? टी टू डैश प्लस बी एक्स टू डैश अपॉन का सी स्क्वायर माइनस टी वन डैश माइनस बी एक्स वन डैश अपॉन का सी स्क्वायर। अब देखिए, याद रखिए हमने कहा था कि दो इवेंट्स टेक प्लेस हुए हैं और दोनों इनर्शियल फ्रेम के अंदर हुए हैं। चूंकि दोनों इवेंट्स की लोकेशन पोजीशन सेम है, दोनों एक ही जगह हुए हैं, इसलिए सिंस बोथ इवेंट्स टेक प्लेस एट सेम पॉइंट, देयरफॉर हम कह रहे हैं कि एक्स वन बराबर है एक्स टू बराबर है सिंपली एक्स के। तब होगा क्या, ये एक्स टू डैश बन जाएगा एक्स डैश और ये एक्स वन डैश बन जाएगा एक्स डैश। तो प्लस का वी एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर माइनस का वी एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, सिर्फ क्या बचेगा हमारे पास, टी इज इक्वल टू टी टू डैश माइनस टी वन डैश अपॉन रेडिकल का वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो टी टू डैश माइनस टी वन डैश किसके बराबर है? सिंपली टी नॉट के हमने सपोज किया था, तो हम लिख देंगे टी नॉट
और याद करें हमने लॉरेंस फैक्टर की यानी गामा की क्या वैल्यू निकाली थी, रेडिकल 1 - b² अपॉन सी स्क्वायर, तो इसकी जगह लिख देंगे सिंपली गामा। तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन है टाइम डायलेशन की, टी इज इक्वल टू टी नॉट इंटू गामा। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की तरफ बढ़ने से पहले समझ लें लेंथ कॉन्ट्रैक्शन कहते किसे। याद रखें मूविंग फ्रेम के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट की जो लेंथ होती है वो शॉर्ट हो जाती है, उसको हम कहते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। फर्ज करें हमने मूविंग फ्रेम में जो लेंथ देखी ऑब्जेक्ट की वो कितनी है, एल इज इक्वल टू x2 - x1। ये ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है वो कितनी है मूविंग फ्रेम में, और फिक्स फ्रेम में कितनी है, एल नॉट इज इक्वल टू x2 - x1। अब हम इस वाली इक्वेशन को ले लेंगे, एल नॉट इज इक्वल टू x2 - x1। अब हम लॉरेंट्स के पोजीशन कोऑर्डिनेट्स के फार्मूला डालेंगे, तो x2 बराबर किसके है, x2 - vt2 - x1। फार्मूले का माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, vt1 अपॉन, एक ही बार में हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम वाला स्टेप हटा रहे हैं इसमें, जो हमने एलसीएम लिया था ना पहले अलग अलग लिखा लॉरेंस फैक्टर को, फिर हमने अगले स्टेप में एलसीएम लिया था, यहाँ हम डायरेक्ट एलसीएम ले रहे हैं मुख्तसर करने के लिए। रेडिकल 1 - v² अपॉन सी स्क्वायर। अब चूंकि दोनों मेजरमेंट्स x2 वाली मेजरमेंट और x1 वाली मेजरमेंट एक ही टाइम पर हुई है, सिंस द टू मेजरमेंट्स मेड इन सेम टाइम, तो हम क्या कह रहे हैं कि T1 बराबर है T2 के, बराबर है T के, तो T2 की जगह T आ जाएगा, T1 की जगह भी T आ जाएगा, तो माइनस का VT प्लस का VT कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, एल नॉट इज इक्वल टू x2 - x1 अपॉन रेडिकल 1 - v² अपॉन सी स्क्वायर। x2 - x1 बराबर किसके, एल के, क्या हो जाएगा, एल नॉट इज इक्वल टू एल गामा, ये लॉरेंस फैक्टर की वैल्यू 1 अपॉन रेडिकल 1 - v² अपॉन c² यानी गामा। तो एल के लिए रिअरेंज करेंगे, एल इज इक्वल टू एल नॉट अपॉन गामा, ये लैंग कॉन्ट्रैक्शन की फाइनल इक्वेशन ड्राइव हो गई है।